हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं कारी लाइट। एंड गाइज, हियर वी हैव द ऑल न्यू 2024 रेनो क्विड। एंड भाई, कुछ अपडेट चेंजेस के साथ आई हुई है। तो पहले हर एक चीज़ इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं 2024 में, इसमें क्या नए अपडेट हुए, क्या चेंजेस हुए, प्राइस बढ़ा है कि नहीं, इंटीरियर एक्सटीरियर डायमेंशन वेट सेफ्टी फीचर्स, हर एक एक चीज़ बात करने वाले हैं इसके बारे में। एंड अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो उसको फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू, अपडेट, कंपैरिजन में छपाने के लिए वाराणसी नियर बाई से बिलोंग करते हो, रेनो की कोई भी कार चाहिए, बिल्कुल इस डीलरशिप पर आ सकते हैं। शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पर शेयर होगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। चलिए फिर बिना देरी के इस डिटेल रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। इस की से तो कुछ ऐसी कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है अपने क्विड में। यहाँ पर रेनो की ब्रांडिंग मिलेगी, 2 फिजिकल कीज मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको कंट्रोल्स कोर्स मिल जाते हैं अपने लॉक अनलॉक के। एंड किस बात कर लेते हैं अब इसके वेरिएंट कलर ऑप्शन प्राइसिंग के बारे में। तो क्विड ऑफर होती है भाई टोटल अपनी 9 वेरिएंट एंड 7 कलर ऑप्शन के साथ ऑफर होती है। एंड भाई, ये अभी डुअल टोन कलर इसमें भी एड ऑन हुआ है। एंड प्राइसिंग की बात करेंगे तो भाई ये अपनी स्टार्ट होती है 4.69 लाख एक्स शोरूम, मोटी मोटा ऑन रोड आती है 6.44 लाख तक एक्स शोरूम। आपके सामने क्विड क्लाइंबर खड़ी हुई भाई, इसके टॉप मॉडल, जिसकी प्राइस 5.87 लाख पड़ेगी एक्स शोरूम, मोटी मोटा ये आपको 6,70,000 से 6,80,000 तक ऑन रोड कॉस्ट करेगी। ऑन रोड प्राइस गाइस बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट में वेरी कर सकती है। एंड गाइस, अगर फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं, कुछ ऐसी लुक निकल के आ जाती है भाई अपने क्विड की। ऐसे तो एक्सटीरियर से देखते हैं 2024 कोई अपडेट नहीं हुआ है। मेन जो अपडेट है थोड़ा मोड़ा भाई इंटीरियर से हुआ है, और बाहर डुअल टोन कलर में। यहाँ पे आपको रेनो की ब्रांडिंग मिल जाती है, स्मोक ब्लैक कलर में ग्रिल, क्रोम इंसर्ट्स, एंड यहाँ पे एलईडी डीआरएम मिलेगी, रिफ्लेक्टर बेस हैलोजन सेटअप के साथ सिग्नल्स मिल जाते हैं नीचे अपने को भाई। स्टिल अभी भी वही रिफ्लेक्टर बेस हैलोजन सेटअप के साथ अपने को हेडलैम्प मिलते हैं। एंड कुछ यहाँ पे ब्लैक आउट फिनिशिंग मिल जाती है नीचे अपने को, ग्रे फिनिशिंग में स्किट प्लेट एंड व्हाइट ट्रीटमेंट मिल जाती है। लोअर ग्रिल अपने को कुछ हॉरिजॉन्टल यहाँ पे मिलेंगे भाई अपने प्लेट्स, जो कि आती है स्मोक ब्लैक कलर के साथ। नंबर प्लेट होल्डिंग की सेटअप, यहाँ पे अपने को टोइंग हुक की सेटअप देखने को मिलेगी। हुड कुछ ऐसा मिल जाता है जहाँ पे अपने को वॉशर की प्लेसमेंट मिल जाती है। एंड कुछ कट्स एंड डिजाइन मिल जाते हैं व्हीकल को एरोडायनेमिक शेप देने के लिए। यहाँ पे आपको मिल जाती है भाई अपनी वाइपर की प्लेसमेंट। एंड साइड प्रोफाइल में आ रहा है तो गाइस कुछ ऐसी ओवरऑल अपनी को मिल जाती है इसकी लेफ्ट साइड प्रोफाइल। देखने में ही आपको लग रहा है अलॉय व्हील है, बट अलॉय व्हील है नहीं, तो पैसा भी बचा रहा है और रिपेयरेंस भी बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे अपने को रिम वेल मिलती है एंड ये ऊपर व्हील कैप मिलता है। एंड टायर प्रोफाइल की बात करेंगे तो 165/70 सेक्शन टायर मिल जाते हैं विद 14 इंचेस ऑफ रिम वेल। यहाँ पे अपने को डिस्क ब्रेक एंड रियर में अपने को ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं। फुल बॉडी क्लाइडिंग मिल जाती है। एंड यहाँ पे देख लो भाई अपने वॉल्यूम को, तो ये आता है भाई अपने इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल साथ, फोर और फोर मैनुअली करना है। बॉडी क्लोज वॉल्यूम विद टर्न सिग्नल, बीडिंग रूफ पोस्ट ब्लैक। एंड यहाँ पे ब्लैक कलर में अपने को रूफ रेल मिल जाता है, डार्क रूम इंसर्ट में पूरा रूफ मिलेगा। कुछ वहाँ पे आपको बॉडी कलर भी फिनिशिंग मिल जाती है रूफ रेल पे। एंड यहाँ पे आपको ब्लैक आउट में ही अपना डोर हैंडल्स मिलता है, डोर क्लाइडिंग प्रॉपर मिल जाती है अपने को ब्लैक कलर में जो कि प्लास्टिक है। एंड यहाँ पे फुल बॉडी क्लाइडिंग, तो भाई अपना देखते हो तो फुल बॉडी क्लाइडिंग नहीं बोल सकते, सिर्फ अपने व्हील्स के ऊपर आते हैं। नीचे आप देखोगे तो ये अपना बॉडी कलर आता है। रियर में ड्रम ब्रेक, फ्रंट में डिस्क ब्रेक आ रहा है। इधर अपने को क्लाइंबर की एक ब्रांडिंग मिल जाती है, जो कि स्टीकर है, इनकेस उछड़ भी सकता है, वो 3D नहीं है। एंड यहाँ पे देख रहे हो अपने को रूफ पूरा ही ब्लैक है। यहाँ पे अपने को मिल जाती है एक छोटा सा स्पॉयलर, बोल नहीं सकते आप, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, डिफॉगर वाइपर नहीं आता। रेनो क्विड की ब्रांडिंग मिल जाती है, रिवर्स कैमरा की प्लेसमेंट, यहीं से आप इसको भाई अपना ट्रंक ओपन करोगे। रेनो की ब्रांडिंग, नॉन फंक्शनल रिफ्लेक्टर, 1, 2, 3 पार्किंग सेंसर्स। यहाँ पे अपने को नंबर प्लेट होल्डिंग सेटअप, स्किट प्लेट अपने बॉडी कलर एंड ग्रे फिनिशिंग मिल जाती है। ट्रंक ओपन करके एक बार मैं आपको बॉडी स्पेस को दिखा देता हूँ। तो इजली भाई यहाँ से आप ड्राइवर साइड से इसका अपना ट्रंक ओपन कर सकते हो। तो भाई यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है। एंड अगर देख रहे हैं भाई हम लोग बूट स्पेस को, तो यहाँ पे आपको 279 लीटर्स की बूट स्पेस क्विड में ऑफर होती है। यहाँ पे किट वगैरह मिलेगी, नीचे स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट मिल जाती है। एंड साइज की बात करेंगे तो ये भाई अपनी 14 इंचेस की साथ आती है, रिम व्हील है। एंड इस व्हीकल के हिसाब से ठीक सफिशियंट बूट स्पेस रेनो वाले अपने क्विड में निकाल के दिए हैं। पार्सल ट्रे वगैरह आ जा रहा है। इंटरव्यू में चलेंगे, इंटरव्यू की बात बिल्कुल करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो भाई पूरा कवर वगैरह देखने को मिलता है अपने बॉडी से ही। एंड इसको ये अपना क्लोज हो गया। टेल लैम्प को देखते हैं तो भाई अपना ब्रेक लाइट, टर्न सिग्नल, रिवर्स लाइट आपको रिफ्लेक्टर बेस हैलोजन सेटअप में ही देखने को मिलेंगे। एंड एसेसरीज पे क्रोमिंग वगैरह आप यहाँ पे करा सकते हो। एंड गाइस राइट साइड प्रोफाइल देखेंगे, सेम लेफ्ट साइड के सारा ही अपनी राइट साइड प्रोफाइल मिलती है, बट आपको यहाँ पे फ्यूल नोब एड ऑन हो जाता है, जो कि 28 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आती है। सेम इधर भी अपने को वैसे ही व्हील्स मिल जाते हैं। क्लाइडिंग वगैरह, बेडिंग वगैरह देख लो, क्लाइंबर की ब्रांडिंग, यहाँ पे ब्लैक कलर की हैंडल्स वगैरह मिल जाते हैं। हाइट में भी ठीक है भाई, उतना नहीं। अगर आप अल्टोस कंपेयर करोगे या और भी व्हीकल्स है जैसे सैलरी वगैरह, तो मुझे पर्सनली क्विड ज़्यादा बढ़िया लगती है। ये ब्लैक आउट आ रहा है। एंड भाई ये कोई मोड़ दिया है यार, तो ऐसा यहाँ पे आपको मिल जाता है वार्मियम भाई अपना। एंड ये भाई इसका वॉक अराउंड था। अब बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, क्या ओवरऑल डायमेंशन, वेट, सेफ्टी फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं इसमें। तो गाइस अगर लेंथ को देखते हैं तो 3731 mm की लेंथ, 1579 mm की विड्थ, ओवरऑल हाइट 1490 mm की मिलती है। एंड अगर देखते हैं ग्राउंड क्लियरेंस को तो 184 mm की काफ़ी सही ग्राउंड क्लियरेंस अपने भाई क्विड में ऑफर होती है। व्हील बेस 2422 mm की मिल जाती है। एंड अगर कर्वेट की बात करेंगे तो अप्रॉक्स 756 kg की यहाँ पे आपको कर्वेट मिल जा रही है। एंड सेफ्टी फीचर्स की बात करेंगे तो क्विड क्लाइंबर में अपने को 2 एयरबैग, ABS, CVD, ब्रेक असिस्ट, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, सेंट्रल लॉकिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, सीट बेल्ट वार्निंग, टाइप एक्शन मॉनिटर सिस्टम, इंजन इम्यूबलाइजर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, अलर्ट, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, जैसे काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जा रहे हैं।
इंटीरियर में देख रहे हैं अंदर क्या क्या चीज़ें मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है एक फिजिकल की नोब, यहाँ पे ब्लैक आउट हैंडल मिलता है, इसको थोड़ा सा मतलब बॉडी कलर कर देते तो बढ़िया लगता है, बिडिंग वगैरह मिलता है ब्लैक ही कलर का। एंड ये भाई अपना ओवरऑल डोर, यहाँ पे कुछ आपको ये वाइट कलर बॉडी कलर ही देखने को मिल जाता है। यहाँ पे डोर लॉक अनलॉक का एक आपको लीवर देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी आउटडेटेड सा है। यहाँ पे क्रोम ट्रीटमेंट में वाह भाई मिल जाता है डोर लीवर। यहाँ पे कुछ स्पेस बड़ा मिल जा रहा है, काफ़ी तगड़ा स्पेस इधर भी मिलता है, ये एक हैंडल का भी काम करेगा भाई। फैब्रिक सीट्स आ जाती है, सीट हाइट एडजस्टेबल नहीं आता, हेडरेस्ट दो हैं, दोनों ही भाई फिक्स्ड हैं। क्लाइंबर की ब्रांडिंग मिल जाती है, सीट को प्रॉपर आपको मैनुअली एडजस्ट करना है। आप चलते हैं इसके इंटीरियर में और देखते हैं अंदर क्या चीज़ें अपने को भाई ऑफर हो रही हैं अपने क्विट क्लाइंबर में। तो थोड़ा सा भाई करते हैं डोर को क्लोज और सीट को अगर पॉसिबल हो तो पीछे एक बार करके देखते हैं। हाँ तो कुछ ऐसा ओवरऑल अपने को पूरा फ्रंट का डैशबोर्ड देखने को मिल जा रहा है। एक बार हम लोग MID को ऑन कर देते हैं तो कुछ ऐसा पहले जैसा ही जैसा अपने ट्राइबर में आ रहा था वैसा ही MID इसमें अभी मिल रहा है, हालांकि ट्राइबर में तो अपडेट हो गया है भाई अब। तो यहाँ पे गाइस पहले आपको 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट मिलता था, अब 2024 में 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सेकंड बेस मॉडल से ही मिल रहा है, ये काफ़ी बढ़िया बात है। डैशबोर्ड आप चेकआउट करो, MID देख रहे हो तो भाई यहाँ पे आपको वैसा ही डिजिटल MID मिलता है जहाँ पे अपने को RPM और स्पीडोमीटर मिल जाता है, ट्रिप मीटर मिलेंगे, सीट बेल्ट वार्निंग, टाइब्रेशन मॉनिटर सिस्टम जो कि TPM में सभी इसमें नया आया है। और यहाँ पे देख रहे हो भाई अपने को फ्यूल गेज मिल जाता है, इंजन टेम्परेचर, इंजन चेक लाइट, लो बैटरी इंडिकेशन, लो ऑयल इंडिकेशन, सीट बेल्ट वार्निंग वगैरह काफी सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं। एडजस्टमेंट को देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट स्टीयरिंग नहीं आती है। डार्क रूम इंसर्ट, कॉल एंड सिग्नल पुट अप, यहाँ पे इंफोटेनमेंट कंट्रोल, टॉगल को देखेंगे, हेडलाइट कंट्रोल, इधर वाइपर कंट्रोल, इधर अपने को एसी वेंट्स मिल जाते हैं जिसको आप ऐसा बंद भी कर सकते हो। यहाँ पे देख रहे हो भाई अपने मिल जाते हैं हेडलाइट्स कंट्रोल, इधर अपने को हेडलाइट्स कंट्रोल मिलेंगे। एंड ये भाई अपना काफ़ी बढ़िया डार्क रूम के साथ आता है एसी वेंट्स, 8 इंचेस का अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाते हैं भाई और ठीक लग रहा है, पहले 7 इंचेस के आ रहे थे। एंड यहाँ पे आपको पावर विंडो के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, हजार के बटन आ जाते हैं, डोर लॉक अनलॉक का यहाँ पे आपको बटन देखने को मिलेगा, एसी मैनुअली आता है ठीक है। यहाँ पे आपको टर्बो का पावर सॉकेट, ऑक्सिलरी पोर्ट, टाइप ए पोर्ट, कुछ स्पेस यहाँ पे भी स्पेस मिल जाता है, 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है, कुछ ऐसी गियर लीवर, रिवर्स आपको भाई अपना पुल अप करके लगाना होगा, एक लीवर मिल जाता है। एंड क्वालिटी को देखेंगे कुछ ऐसी यहाँ पे आपको कैमरा क्वालिटी देखने को मिल जाती है भाई अपने क्विड में। बाकी गाइस यहाँ पे आपको मिल जाता है हैंड ब्रेक प्लेसमेंट, ग्लव बॉक्स में कुछ ऐसी स्पेस मिलती है, यहाँ पे क्विड की ब्रांडिंग मिल जाती है, मैनुअल डेनिम IRVM, इसमें स्टील अपी को आपको हैलोजन ही मिलेंगे, ऊपर रूफ लाइट, माइक प्लेसमेंट, सनवाइजर देख रहे हो, ड्राइवर साइड कुछ ऐसा मिलता है विद नो एनी टिकट होल्डर, एमिनिटी मिरर को ड्राइवर साइड अपने को सेम मिलता है, हैंडल वगैरह ऊपर नहीं आ रहे, रूफ आपको बेच के लगा, इंटीरियर बढ़िया लग रहा है भाई। और वैसे क्विड का इंटीरियर तो मुझे पर्सनली पहले से ही बढ़िया लगता था, अब चलते हैं इसके सेकेंड रूम में और देखते हैं वहाँ क्या चीज़ें अपने को देखने को भाई मिल जाती है। एंड गाइस सेकेंड रूम में अगर आ रहे हो तो यहाँ पे कुछ ऐसा ओवरऑल अपने को मिल जा रहा है भाई अपने को डोर फ्रंट की तरह, यहाँ पे आपको पावर विंडो कंट्रोल, ये एक लीवर मिल जाता है, यहाँ पे डोर लीवर क्रोम ट्रीटमेंट में, डोर लॉक अनलॉक लीवर काफ़ी आउटडेटेड सा है, ये थोड़ा सा रेनो को इसमें इंप्रूवमेंट ले आना चाहिए। एंड इंटीरियर में देख रहे हो कुछ ऐसा ओवरऑल इंटीरियर मिल जाता है, फैब्रिक की सीट्स, हेडरेस्ट अपने आ रहे हैं फिक्स्ड हैं, आर्मरेस्ट नहीं आता। एंड थोड़ा सा भाई आगे वाली सीट को मैं पूरा ही पीछे कर दिया हूँ, इसको एक बार आगे शिफ्ट करता हूँ अच्छा सा स्पेस पाने के लिए। एंड गाइस चल रहे हैं अब इसके भाई सेकंड रूम में, तो यहाँ पे पहले स्पेस को अगर देखते हैं तो एंड आगे वाली सीट को मैं पूरा आगे कर दिया हूँ भाई, तो अब स्पेस चेकआउट करो कुछ ऐसा नहीं रूम मिलता है, लेकिन फुट रूम भी सही अंदर, थाई सपोर्ट थोड़ा ज़्यादा जरूरी है इनको इम्प्रूव करने की। एंड हेडरूम तो ठीक मिलता है, वैसे गाइज ये अपनी छोटे सेगमेंट की व्हीकल है तो ऐसा बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, प्राइस रेंज भी देखो और व्हीकल की स्पेस भी देखो, उस हिसाब से काफ़ी बढ़िया मुझे लगती है ठीक है इसके कॉम्पिटिटर से। एंड भाई यहाँ पे रियर एसीवेंट्स भाई अपना नहीं आता, सेंटर पैसेंजर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो बिकॉज वहाँ पर नहीं मिलता। बाकी गाइज वो पीछे पार्सल ट्रे वगैरह जा रहे हैं, यहाँ पे हैंडल दोनों ही तरफ मिलेगा, रूफ लाइट इधर आपको नहीं मिलती, एक केबिन में पीछे रूफ लाइट देना चाहिए था। फ्रंट का आप डैशबोर्ड चेकआउट करिए, चलते हैं बाहर तो देखते हैं इसके इंजन में क्या पावर एंड टॉर्क अपने को देखने को मिल जाता है। तो फटाफट से इसके हुड को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे आपको एक लीवर मिल जाएगा, इसलिए आप यहाँ से भाई हुड ओपन कर सकते हो। एंड अब इसके इंजन स्पेक्स की बात कर लेते हैं, तो पहले आप हुड पे देखेंगे प्रॉपर इंसुलेटर मिल जाता है, वॉशर की पाइप मिलेगी, फ्यूल प्लेसमेंट, बैटरी प्लेसमेंट, ये भाई अपना 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, कूलेंट का सेटअप, पानी भरने के लिए वॉशर। एंड अगर इंजन स्पेक्स की बात करते हैं ना भाई, तो यहाँ पे अपने को जो इंजन मिलता है वो मिलता है 999 cc 3 सिलेंडर BS6 phase 2 इंजन, मैक्स पावर 67.06 bhp 5500 rpm पे मिलेगी, 91 NHP टॉर्क मिल जाती है 4250 rpm पे। एंड माइलेज की बात करें तो अप्रॉक्स 90-20 किलोमीटर पर लीटर तक की आपको माइलेज निकाल दे देती है भाई। अगर देखोगे तो अपने क्विड इस प्राइस रेंज में फीचर्स के साथ काफी बढ़िया गाड़ी है, लुक में भी एक्सटीरियर लुक में भी है, स्पेस में भी है, ठीक चीज देखने को मिल जाती है। तो गाइस ये था भाई अपने रेनो क्विड का फुल डिटेल, वो इंटीरियर एक्सटीरियर डायमेंशन मेट सेफ्टी फीचर्स हर एक चीज मैंने बता दिया है। एंड भाई व्हीकल ओवरऑल लुक वाइज देखते हो और इंटीरियर स्पेस वाइज वगैरह बहुत सही है, इंजन भी ठीक ही है, 1 लीटर का यहाँ पे इंजन देखने को मिल जाता है आपको बढ़िया। प्राइस मोटी मोटा मैं आपको स्टार्टिंग बता दें, फिर से बता दूं अप्रॉक्स 6.7 से 6.8 लाख तक ये ऑनरोड कॉस्ट करेगी, ऑनरोड प्राइस बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट में वैरी कर सकती है। बाकी न्यू फीचर्स की बात करें 2024 में, तो ये डुअल टोन कलर ऑप्शन एड ऑन हुआ है, अंडर 8 इंचेस की इंफोटेनमेंट सिस्टम, TPMS, रियर सीट बेल्ट वार्निंग, ये चार चीज़ें इसमें आपको
2024 में न्यू देखने मिलेगी, प्राइस वही है। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करेगा, चैनल पर नहीं इसको सब्सक्राइब करेगा, ऐसे ही कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट कंपनी में मिलता होगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।